हेलो दोस्तों, आज आ गए हैं हम बंसल आई हॉस्पिटल अंबाला सिटी के अंदर। पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे HD विजन को लेकर के, तो हम यहाँ पे मिलेंगे डॉक्टर VK बंसल और डॉक्टर आशीष बंसल जी से, और आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे और जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर लेने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हेलो दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष बंसल जी। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर आशीष बंसल जी का, जिन्होंने इंटरव्यू के लिए हमें टाइम दिया, और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष बंसल जी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर आशीष बंसल जी, हेलो। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल आई हॉस्पिटल में, और आपने बहुत ज़्यादा हमेशा अपने चैनल के थ्रू लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए, और हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। सर, हमारे सब्सक्राइबरों के कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ डाउट हैं जिनका आंसर है जो मैं आपसे लेता हूं, और उनके क्वेश्चन है जो, सबसे पहला क्वेश्चन है सर हमारा, HD विजन क्या है? HD विजन लेसिक लेज़र के द्वारा चश्मा हटाने की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम iDesign रिफ्रैक्टिव स्टूडियो मशीन, जो कि 2018 सितंबर में US में लॉन्च हुई थी, उसका हम यूज़ करते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, iDesign 2.0 क्या है? iDesign जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के मशीन का टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसका जो पहला वर्जन है 2015 में आया था, जिसका नाम है iDesign एडवांस वेव स्कैन सिस्टम, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, सेकेंड वर्जन, वो है iDesign रिफ्रैक्टिव स्टूडियो, जो अभी 2018 में लॉन्च हुआ है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, iDesign रिफ्लेक्टिव स्टूडियो क्या ये कंटोरा विजन से बेहतर है? यदि हाँ, तो इसमें और कंटोरा विजन में क्या अंतर है सर? देखिए, हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम के नाम पे नहीं, हमने उसके बेसिक प्रिंसिपल पे जाना है। कंटोरा विजन जो है वो उसके अंदर टोपोग्राफिक गाइडेड लेज़र ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसके अंदर टोपोलाइजर मशीन के थ्रू हम कॉर्निया के आउटर एब्रेशंस का भी ट्रीटमेंट करते हैं चश्मे के नंबर के अलावा, जबकि HDV के अंदर हम iDesign रिफ्रैक्टिव स्टूडियो मशीन में टोपो इंटीग्रेटेड वेवफ्रंट गाइडेड ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके अंदर बोथ कॉर्निया एज वेल एज इनर एब्रेशंस का ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के अंदर पहले वाले टेक्नोलॉजी से और बेटर फीचर्स हैं, क्योंकि इनर एब्रेशंस भी ट्रीट करती है, इसलिए इसमें विजन और शार्प और बेटर बनता है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर एक डॉक्टर ने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, वो जॉनसन एंड जॉनसन के स्टॉल पर जाता है और वहाँ पर पूछता भी है कि iDesign 2.0 कोई टेक्नोलॉजी है या नहीं, तो वो जॉनसन एंड जॉनसन स्टॉल वाले उनको मना कर देते हैं इस बारे में। आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, मुझे इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट HDV के अंदर जो मशीन यूज़ हो रही है उसका नाम है iDesign रिफ्रैक्टिव स्टूडियो, जो कि iDesign का एक सेकेंड वर्जन है, और iDesign रिफ्रैक्टिव स्टूडियो में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसका नाम है टोपो इंटीग्रेटेड वेवफ्रंट गाइडेड ट्रीटमेंट, जिसको हमने पेशेंट्स को सिंप्लीफाई के रूप में हाई डेफिनेशन विजन का नाम दिया है, क्योंकि इसमें शार्प और क्लियरर विजन बनती है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो आप गूगल या जॉनसन एंड जॉनसन वेबसाइट पे iDesign रिफ्रैक्टिव स्टूडियो या टोपो गाइडेड वेवफ्रंट ट्रीटमेंट के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर मिलेगी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई डेफिनेशन विजन से मैक्सिमम कितने नंबर तक का चश्मा उतारा जा सकता है, और आपने या डॉक्टर VK बंसल जी ने आज तक आपके हॉस्पिटल में मैक्सिमम कितने नंबर तक का चश्मा उतारा है, चाहे वो सिलेंड्रिकल ही क्यों न हो? देखिए कि कितना नंबर का चश्मा हटता है, इस पे पेशेंट के पैरामीटर्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बाकी iDesign रिफ्रैक्टिव स्टूडियो से हमने मायोपिया में अराउंड 8-10 नंबर्स का ट्रीटमेंट किया है, और हाइपरओपिया में अप टिल 6 का, और सिलेंड्रिकल नंबर के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर आयरिस रजिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो कि सिलेंड्रिकल पावर का बहुत ही सेफ्टी से और एक्यूरेसी से ट्रीटमेंट करती है, और हमने 5.5 तक भी नंबर इसमें सक्सेसफुली ट्रीट किया है। और जहाँ तक की हम बात करते हैं कि सबसे मैक्सिमम नंबर जो हमने ट्रीट किया है, वो है हमारा अराउंड 12-13 नंबर तक, जो कि हमने अपनी VSEX मशीन की ART टेक्नोलॉजी जो है एडवांस रिफ्रैक्टिव टेक्नोलॉजी से, जिसके अंदर मिनिमम टिश्यू कंजप्शन होता है, उससे हमने ट्रीट किया है। बट इन सब पे पेशेंट्स के पैरामीटर्स की वैल्यूज़ पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी सर। सर, इसमें ड्राइनेस वगैरह है जो, कितने टाइम तक आँखों में बनी रहती है सर्जरी के बाद? ड्राइनेस के लिए हम रूटीन में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ी सी ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, जो महीने सवा महीने में अपने आप कवर अप हो जाता है। जी सर।
और सर एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा, इसका मैक्सिमम रिकवरी टाइम है जो सर्जरी के बाद, वो कितना होता है? देखिए, जो रिकवरी टाइम किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी लेज़र ट्रीटमेंट का, वो थोड़ा सा पेशेंट की, हर एक पेशेंट की अपनी बॉडी पे भी डिपेंड करता है। बाकी क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैंने बताया है कि रिकवरी काफ़ी क्विक हो जाती है विद इन फ्यू डेज। बाकी बॉडी जब अपना आप काम शुरू करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ एक दो महीने और सारा एडजस्ट हो जाता है सारा बॉडी का सिस्टम, और आप अपना इजीली सारा रूटीन वर्क शुरू कर सकते हैं। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आयुष्मान कार्ड और ESI कार्ड है जो ई सर्जरी के लिए मान्य है? देखिए, ऐसा है, जो लेसिक लेज़र ट्रीटमेंट है वो एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है। जी सर। और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नॉर्मली किसी भी हेल्थ स्कीम या इंश्योरेंस कंपनी में नहीं कवर्ड होता है। जी सर। तो इसलिए ये इसमें भी नहीं कवर्ड है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, जो काफ़ी सब्सक्राइबरों ने हमें पूछा है कि बहुत से डॉक्टर हैं जो खुद स्पेक्ट्स है जो यूज करते हैं, वो खुद लेज़र सर्जरी क्यों नहीं करवाते, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन हमारे पास बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, जो रूटीन में लेज़र सर्जरीज करा रहे हैं। इवन मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं। और बाकी ये एक पर्सनल चॉइस ज़रूर होती है हर एक पर्सन की, कि कई लोग उसको ऑप्ट करते हैं, कई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट है जो HD विजन को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अब चश्मा उतारने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी iDesign रिफ्लेक्टिव स्टूडियो है, जिसका कॉमन पर्सन के लिए नाम रखा गया है हाई डेफिनेशन विजन, यानी कि HDV। जी हाँ, या इसको 2.0 भी कहा जा सकता है। अगर आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं iDesign रिफ्लेक्टिव स्टूडियो, या जॉनसन एंड जॉनसन की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके और कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप डॉक्टर आशीष बंसल से या बंसल आई हॉस्पिटल से किसी प्रकार की कोई क्यूरी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हॉस्पिटल की वेबसाइट का लिंक है जो मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम थैंक्स करना चाहते हैं डॉक्टर आशीष बंसल जी का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर इंटरव्यू के लिए हमें टाइम दिया। थैंक यू सुमित, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।